वेलकम बैक टू हैप्पी टिंकरिंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलईडी विद स्विच। सॉरी फॉर द स्टडी वीडियो बेटा, मेरे यहाँ पे नेट की प्रॉब्लम थी और इलेक्ट्रिसिटी भी थी नहीं, तो मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। कोई नहीं, पर आज हम लोग कल वाला भी कवर कर लेंगे प्लस आज वाला भी कवर कर लेंगे। तो स्पेशली पहले ही कुछ बच्चों ने 7 सेगमेंट डिस्प्ले और RGB लाइट का प्रोग्राम मुझे फर्स्ट डे ही बनाकर भेज दिया। बहुत एडवांस बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं आजकल, स्पेशली 2-3 बच्चे हैं कुछ बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे वीडियो भेजी बनाकर, मैं आपको दिखाने वाला हूँ थोड़ी देर में। तो आज बेटा हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एलईडी विद स्विच, और हमारा जो कल का प्रोग्राम था 7 सेगमेंट डिस्प्ले वाला, वो भी मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ बनाकर, ताकि आपको समझ आ जाए। तो नॉर्मल भाषा में, प्रोग्रामिंग भाषा में हम जो पढ़ने वाले हैं आज, दैट इज कॉल्ड कंडीशनल स्टेटमेंट। ओके, इफ एल्स, इफ एल्स इफ, नेस्टेड इफ और नेस्टेड इफ एल्स। क्लियर? तो बेटा ये सिंपल भाषा में होता क्या है, इफ एल्स, आपके घर पे कोई गेस्ट आता है तो आप उसको पानी तो पिलाई देते हैं, ठीक है, उसके बाद आप उसको कंडीशन देते हैं कि आप चाय पियेंगे या कॉफी, चाय पियेंगे ठंडा। बेसिकली आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन होते हैं, कुछ कंडीशन है, चॉइस है, तो हम लोग यूज करते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट। हाँ, कभी कभी क्या होता है, घर पे कोई ज्यादा ही खास मेहमान आ गया है तो पानी तो आप पिला ही देंगे, अब तो आप खाना खाने के बाद ही जाएंगे, खाना तो आपको खाना ही पड़ेगा, और खाना नहीं खाएंगे तो चाय तो पीनी ही पड़ेगी। तो दैट इज इफ एल्स। इफ मीन्स कंडीशन ट्रू करती है तो ठीक है, खाना खाते हैं तो ओके, बट खाना नहीं खा रहे हैं तो चाय तो आपको पीनी ही पड़ेगी। दिस इज इफ एल्स। इफ वाली कंडीशन है, एल्स वाला कंपल्सरी। इफ एल्स इफ भी हो सकता है, खाना नहीं खा रहे हैं चाय तो पीनी ही पड़ेगी, या फिर कॉफी पी सकते हैं। तो इफ खाना, एल्स इफ चाय और कॉफी। तो बेटा ये है हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट, जहां हम लोग अपनी कोई भी जो भी हमें चॉइस या जो भी कंडीशन अवेलेबल होती है उसके हिसाब से काम करते हैं। तो आज हम वही करने वाले हैं, हम एक एलईडी ग्लो करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्विच। इफ स्विच इज पुश, आपने बटन दबाया है तो लाइट ऑन होगी, और बटन को छोड़ दिया है तो लाइट ऑफ हो जाएगी। तो दिस इज टूडेज प्रोग्राम। आज हम ये प्रोग्राम करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्रोग्रामिंग एज वेल एज ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग। तो ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग, जो बच्चे अभी बिलो 9th स्टैंडर्ड है या जो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं जानते हैं, जिन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग नहीं पढ़ी है, या फिर जिनके सिलेबस में कंप्यूटर है ही नहीं है, जो कंप्यूटर पढ़ ही नहीं रहे हैं स्कूल में भी, तो बेटा वो ऑलरेडी ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग हमारे लास्ट वीक पढ़ चुके हैं, तो वो इजिली समझ आएंगे कैसे कैसे उसको यूज करना है। बट जो बच्चे 9th, 10th, 11th, 12th में है या और हायर, कुछ इस तरह के लोग भी हैं जो देख रहे हैं वीडियोस, तो वो उनको कोडिंग हमेशा आती है, वो पता है उनको कैसे यूज करना है प्रोग्रामिंग को, तो वो लोग टेक्स्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग भी आज यूज कर पाएंगे। तो देखिए आज शुरू करते हैं आज की वीडियो, उससे पहले देखते हैं कुछ बच्चों के प्रोग्राम जो बच्चों ने पहले ही बना के भेजे हैं मुझे। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं बच्चों द्वारा बनाए गए प्रोग्राम। Today's assignment. So this is Akshit Agarwal and this is my today's assignment. I'm going to show the mixing of colors with the help of circuit. Now I am going to start. Now when this light is red, this is also red. This is RGB and this is blue, now this is also blue. Now this is green and this is also green. Now when we mix red and blue, it gives magenta. This is day 3 of robotics assignment which you gave today, that we should show all numbers from 0 to 9 in this 7805 volt regulator with the help of Arduino Uno. We should show the numbers. So the code for all these are over here. Good evening, sir. I am Arushi and this is my today's Arduino project to display 7 segments.
Good evening, sir. My name is Shreya Rawat from class 9th and this is my project. Here is the code. The blocks are arranged for the Arduino to work. बेटा आप इसी तरह से वीडियो बनाकर भेजते रहिएगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम वीडियोस लास्ट में आपको एक जब हम लोग ये वन मंथ का कोर्स कंप्लीट करेंगे तो सबकी वीडियो डिस्प्ले करें। और प्लस बेटा इस वीक से मैं कुछ बच्चे भी चूज करने वाला हूं फ्रॉम दिस वीक ऑनवर्ड्स, इफ स्कूल परमिट में या अगर COVID-19 का थोड़ा कुछ सही हो जाता है तो कोशिश करेंगे कि इस वीक के बाद कुछ बच्चे बुलाने कॉल करने शुरू करें। तो फर्स्ट मैं 5% कॉल करूंगा अकॉर्डिंग योर परफॉर्मेंस ऑफ दिस वीक। आप इस वीक जो भी मुझे भेजने वाले हैं, कैसा आपका काम है, कितना आपने मुझे भेजा है, आप किस एरिया के हैं, नियर बाई हैं, कंटेनमेंट जोन से तो नहीं है, और तो इफ पॉसिबल फ्रॉम नेक्स्ट वीक हम लोग कुछ बच्चों को लैब में बुलाकर हैंड्स ऑन भी कराना शुरू करेंगे, ठीक है, जहाँ आप ये सारी चीज़ें आप मेरी हेल्प से मेरे साथ बैठ के यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो अपना अच्छे से पढ़ें, अपने वीडियो बना के भेजते रहें, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं अपना 7 सेगमेंट डिस्प्ले। हम लोग आ गए टिंकर कैट पर बेटा और लेते हैं अपना पहला यूनो। इसके बाद हमको लेना है एक सेगमेंट डिस्प्ले, एक रजिस्टर जो हो सकता है 220 ओम का, एक हम लोग ले रहे हैं ब्रेडबोर्ड, तो ये है हमारा बेटा। अभी क्या करना है, सेगमेंट डिस्प्ले को यहाँ पे लगा लेते हैं हम लोग, कहीं पे लगा लेते हैं, और ये हमारा कॉमन वायर से ग्राउंड और इतने कैथोड, और फिर सारी पिंस जो हमारी स्टार्टिंग्स हैं, जो हमारा बी पॉइंट है, बी को हम जोड़ लेते हैं पिन नंबर 2 में, उसके बाद ए को जोड़ लेते हैं पिन नंबर 3 में, कॉमन छोड़ देते हैं, और लास्ट में डन। तो अभी हमने क्या किया है, हमने बी जो हमारा टर्मिनल सेगमेंट है, दिस इज कॉल्ड सेगमेंट, और जो हमारा ए सेगमेंट है, उन सबको हमने पिंस पर डिफाइन कर दिया है। ऐसे ही चाहे तो डीपी भी कर सकते हैं, सिक्स पे हमारा डीपी है, उसके बाद कॉमन, सी हमारा आ गया है, नंबर 7 पर, उसके बाद डी ले लेते हैं हम लोग, नंबर 8 पर, और फाइनली लास्ट वन ई हम लोग ले लेते हैं नंबर 9। तो अभी हमारे पास सारे सेगमेंट हैं, सारे सेगमेंट कनेक्ट हो चुके हैं, बस हमें ग्राउंड देना है अपने बेस से, और इसकी कलर कर देते हैं हम लोग ब्लैक ताकि हमें याद रहे कि ग्राउंड है, ठीक है। तो अभी हमारे 7 सेगमेंट डिस्प्ले को जो ग्राउंड मिला है यहाँ से मिला है, और पॉजिटिव जो मिला है वो यहाँ से मिल गया है। आइए कोड करते हैं, सिंपल हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, सेट पिन नंबर 2 टू हाई, ठीक है। अभी हमारा जो सेगमेंट है बी सेगमेंट वो हाई हो गया है, बाकी सब ऑफ है, क्योंकि बी सेगमेंट जो है वो पिन नंबर 2 पर है
और पिन टू हमारी जो है वो अभी हाई हो गई, स्टॉप। अब हमें वन डिस्प्ले करना है, तो पिन नंबर दिस वन और दिस वन, यानी कि सेगमेंट बी और सेगमेंट सी मुझे हाई करना पड़ेगा। तो सी अभी मेरा कहाँ लगा है, दिस इज पिन नंबर 7 पर, तो कोड करेंगे सेट पिन 7 हाई। अभी क्या हो रहा है, वन डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। इस तरह जो हमारा डीपी है, ये दिस डॉट, ये कहाँ पर है, पिन नंबर 6 पर है, तो इसको भी कर लेते हैं सेट पिन 6। अभी ये हमारा वन डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। कोड को स्टॉप करते हैं, एक कंट्रोल लेते हैं, वेट 1 सेकेंड, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम, मतलब कोड दूसरी एलईडी के लिए। फॉर एग्जांपल आउटपुट में गए, जितनी पिन आप यूज कर रहे हैं उस डिस्प्ले के लिए वो हम यहाँ लिख देते हैं। जैसे कि हमें टू डिस्प्ले करना है, तो सेगमेंट ए, सेगमेंट बी, सेगमेंट सी और सेगमेंट दिस इज डी, हम लोगों को वहां लिखना पड़ेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको जो जो वहां लिखना है, जो जो आपका सेगमेंट डिस्प्ले करना है, आप वहां पर जाकर उसको कोड में डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेगमेंट मुझे यहाँ पर 4 ग्लो करना है, या 6 ग्लो करना है, 7 ग्लो करना है, रेंडमली जो आपको सही लगे आप डालो और चेक करो, ठीक है। तो उस तरह से हमारा जो भी हमारे कैरेक्टर्स हैं, जो भी हमें डिजिट्स हमें ग्लो करनी है 1, 0 to 9, आप वहाँ चूज करके उसको फिल करेंगे, और आप वेट लगाकर वेट 2 सेकेंड 1 सेकेंड जो आप चाहें वो ग्लो करेंगे, ठीक है। तो ये है आपका प्रोग्राम, आप इसको कर लीजिएगा, बनाकर वीडियो भेज दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम, जो थोड़ा डिफरेंट है और थोड़ा टफ भी है, अच्छे से समझिएगा। स्पेशली हमारे प्रोग्रामिंग के थोड़े कॉन्सेप्ट यूज हम लोग करने वाले हैं। शुरू करते हैं नया प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में चाहिए एक यूनो, जो हम ऑलरेडी ले चुके हैं आर्डिनो यूनो, और एक हम लोग लेंगे बेटा पुश बटन, जो है ये एक रजिस्टर लेंगे 220 ओम का, एक लेंगे हम लोग ब्रेडबोर्ड, और एक एलईडी। ठीक है, आइए देखते हैं आज का प्रोग्राम। सबसे पहले हमें क्या करना है, स्विच को समझते हैं थोड़ा सा। बेटा ये है हमारा पुश बटन, हम लोग इसको प्रेस करते हैं तो ये वर्क करता है, ठीक है, और छोड़ देते हैं तो ये ऑफ हो जाता है। ये कॉमनली यूज़ हम लोग करते हैं, मोबाइल्स में भी यूज़ होता है, कीपैड में, या फिर अगर आप देखिए कोई भी घर का इक्विपमेंट, चाहे वो इंडक्शन हो या टीवी हो, तो वहाँ पर भी इस तरह का बटन हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। और ये है हमारी एलईडी, तो एलईडी को रख लेते हैं कुछ यहाँ पर, और ये हमारा रजिस्टर, इसको लगाते हैं हम लोग एलईडी के पॉजिटिव लेग में, ठीक है। और ये है हमारा स्विच, क्लियर। हमें एक रजिस्टर और लेना है, जो होगा 1 किलो ओम का, और इसको लगाना है हमें अपने स्विच में, ठीक। ग्राउंड लेना है, दैट इज ब्लैक, उसका कलर भी थोड़ा चेंज कर लेते हैं।
और एक लेना है हमें 5 वोल्ट स्विच के लिए। क्यों होगा हमारा रेट, ठीक है। और ये जो हमारा नेगेटिव है इसको हम जोड़ देते हैं नेगेटिव से, ये होगा हमारा ब्लैक, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो हमारा लेग है दिस टर्मिनल, इसको हम जोड़ने वाले हैं पिन नंबर 2 से। और ये जो हमारा एलईडी का पॉजिटिव है इसको भी हम जोड़ने वाले हैं पिन नंबर 8, 9, 11, जहां भी आप चाहें 11। ये तो हुआ हमारा आज का सर्किट डिजाइन, ठीक है। हम लोग ने क्या क्या यूज किया है, एक एलईडी, एक पुश बटन और दो रजिस्टर। रजिस्टर एक है हमारा 220 ओम का और एक है 1 किलो ओम का, और ये है हमारा आर्डिनो यूनो। स्विच को हमने दो सप्लाई दिए, 5 वोल्ट और ग्राउंड दोनों दिया है हमने आर्डिनो से, और स्विच का एक टर्मिनल जो हमारा 2B है वो हमने कनेक्ट किया है अपने पिन नंबर 2 से, और जो एलईडी है उसका पॉजिटिव हमने कनेक्ट किया है रजिस्टर के थ्रू पिन नंबर 11 से। अब देखिए बेटा काम कैसे करेगा, हम लोग चाह क्या रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि जैसे ही ये पुश बटन मैं प्रेस करूँ तो मेरी एलईडी ग्लो करे, ठीक है, और जब इसको छोड़ दूँ तो एलईडी ऑफ हो जाए। तो अभी इस काम कैसे करने वाला है, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे तो ये एक सिग्नल देगा आर्डिनो, क्या सिग्नल होगा कि जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो एलईडी जल जाए, और जैसे ही मैं इसको छोड़ देता हूँ, रिलीज कर देता हूँ या छोड़ देता हूँ तो एलईडी बंद हो जाए। तो इसका कोड करते हैं, पहले कर लेते हैं टेक्स्ट ब्रेक्स, जो बच्चे प्रोग्रामिंग वाले हैं उनको समझ आ जाएगा। देखिए पिन मोड 2 दिस इज पिन नंबर 2, पिन मोड 11 दिस इज पिन नंबर 11। पिन नंबर 2 है इनपुट, मतलब दिस स्विच विल वर्क लाइक अ इनपुट, जैसे हम इसको प्रेस करेंगे ये एक इनपुट सिग्नल देगा किसको, पिन नंबर 2 को, यूनो को, ठीक है। और पिन नंबर 11 क्या है, आउटपुट, ये क्या देगा, इस एलईडी बल्ब को आउटपुट देगा। हमने एक कीवर्ड लिया है बटन, इंटीजर बटन इक्वल्स टू डिजिटल रीड 2, मतलब ये जो बटन है ये इस पिन नंबर 2 पर जो भी ट्रिगर या जो कुछ आएगा, कुछ सिग्नल आएगा उसको रीड करेगा। इफ अगर वो सिग्नल हाई है, इफ वो सिग्नल हाई है मतलब ऑन है, तो डिजिटल राइट 11 हाई, तो ये जो 11 नंबर की पिन है ये ऑन हो जाएगी, तो बल्ब जल जाएगा। एल्स डिजिटल राइट 11 लो, ये जो है वो बंद रहेगा, ऑफ रहेगा। तो आइए देखते हैं इसका आउटपुट ये कैसे काम कर रहा है। क्लिक करते हैं स्टार्ट सिमुलेशन पर, डन, अब चेक करते हैं प्रेस करके, एलईडी ग्लो हो रही है, ठीक है, और जैसे ही रिलीज कर दे रहे हैं एलईडी ऑफ हो जा रही है। आई थिंक कलर का तो कोई इशू नहीं है, आई होप वीडियो में ये विजिबल होगा, वरना इसको रेड कर लेते हैं। अब देखिएगा जब हम लोग स्विच को प्रेस कर रहे हैं एलईडी ग्लो कर रही है, या फिर छोड़ देने तो एलईडी ऑफ हो जा रही है। तो बेटा ये तो है कोड के थ्रू, जो हमने क्या करा है, दो पिन डिफाइन करी है, पहले इनपुट और दूसरी आउटपुट। दूसरा हमने एक इंटीजर लिया है कीवर्ड जो है बटन, जो क्या कर रहा है, इनपुट ले रहा है पिन नंबर 2 से। इफ इनपुट हमारा हाई है तो लाइट ऑन हो जाएगा, इफ इनपुट हमारा लो है तो हाई लाइट जो है ऑफ हो जाएगा। आइए अब देखते हैं कैसे हम लोग इसकी प्रोग्रामिंग करेंगे, ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग, जो छोटे बच्चे हैं या जो ब्लॉक बेस्ड पे यूज कर रहे हैं वो कैसे करेंगे। तो आते हैं हम लोग ब्लॉक प्लस टेक्स्ट में, हमारा कोड चला जाएगा, कोई नहीं जाने दो, हम लोग फिर से कोशिश करते लिखने की। सबसे पहले हम लिखते हैं एक वेरिएबल, तो हम लोग लिख रहे हैं वेरिएबल में, वेरिएबल का नाम होगा हमारा बटन, क्लियर। अब हम लोग क्या लेंगे, एक इनपुट लेंगे पिन, डिजिटल पिन नंबर 2, और एक आउटपुट, दो आउटपुट लेंगे, एक हाई और एक लो करने के लिए।
फिर हम कंट्रोल में जाएंगे, एक लेंगे हमारा इफ एल्स ब्लॉक, ठीक है। इफ सेट पिन नंबर 11 टू हाई, एल्स सेट पिन 11 टू लो, ठीक है। ये बेटा कंडीशनल स्टेटमेंट हमारा कैसे काम कर रहा है, इफ कंडीशन ट्रू तो पिन को हाई कर दो, बटन को ऑन कर दो, एल्स पिन को ऑफ कर दो, लो बंद कर दो, ठीक है। इधर कोड भी आ रहा है। अब इफ के अंदर कंडीशन लिखना है, कैसे लिखना है, ये थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि हमें बहुत सारी चीजें होंगी, क्योंकि ये डायरेक्टली इसमें तो आ नहीं सकता। तो हमें क्या करना है, पहले एक फंक्शन फाइंड करना है अपने लिए। पहला है वेरिएबल सेट बटन टू हाई और सेट बटन टू लो। आइए देखते हैं कैसे इसको करेंगे हम लोग। हमने लिया है बेटा रीड डिजिटल पिन टू इनपुट से, एक सेट बटन वेरिएबल हमारा आ गया है, तो करते हैं सेट बटन टू, इसमें डालते हैं ड्रॉप कर देते हैं रीड डिजिटल पिन टू, यानी कि जो हमारा बटन कीवर्ड है वो पिन नंबर टू को रीड करेगा। उसके बाद इफ हमारे पास ये है ना रिलेशनल ऑपरेटर वाला, आपको याद हो तो, यहाँ पे चूज करेंगे इक्वल्स टू, ठीक है, और इसको हम लिखेंगे इसके अंदर इफ इक्वल्स टू इक्वल्स टू। अब यहाँ क्या आएगा बटन, तो बटन मिलेगा हमें वेरिएबल से, इफ बटन इक्वल्स टू हाई, हाई मिलेगा हमें इनपुट में, कंट्रोल में, मैथ्स में, मैथ्स में दिस इज हाई एंड लो, ये इफ बटन इक्वल्स टू हाई देन सेट पिन 11 टू हाई या फिर एल्स लो, ठीक है। देखिए कोड उसी तरह से बन गया बाय डिफॉल्ट, पिन टू इनपुट, पिन मोड 11 आउटपुट, बटन इक्वल्स टू डिजिटल रीड, इफ बटन इक्वल्स टू हाई, हाई और लो, ठीक है। ये हमारा काम हो गया बेटा, हमने क्या क्या लिया है, सारे ब्लॉक यूज कर लिए हैं। आइए अब चेक करते हैं अपना प्रोग्राम, ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं बटन, देखिए हमारा प्रोग्राम जो है वो काम कर रहा है। हमने दोनों तरह से कोड लिखा आज, प्रोग्राम से भी जो प्रोग्रामिंग समझते हैं, और अगर आप नहीं समझते हैं या नहीं है इससे अवेयर, तो हमने ब्लॉक बेस्ड प्रोग्रामिंग हमने लास्ट वीक पढ़ा ही था, उसी से हमने प्रोग्राम लिखा है। प्रोग्राम के लिए हमने पहले एक वेरिएबल लिया है बटन, उसको पिन नंबर टू को रीड कराया है, फिर इफ एल्स यूज किया है, इफ एल्स के अंदर हमने एक ये रिलेशनल ऑपरेटर यूज किया है कंपैरिजन के लिए, इक्वल्स टू करने के लिए, एक वेरिएबल बटन और उसकी वैल्यू हाई, देन सेट पिन 11 टू हाई एल्स लो। अगर मैं इसको लो कर देता हूं तो क्या होगा, देखिए कंडीशन फॉल्स, एलईडी कंटिन्यू ऑन है, और जब मैं इसको प्रेस करूंगा तो एलईडी ऑफ होगी, और यही छोड़ दूंगा तो एलईडी ऑन हो जाएगी। तो कैसे काम करता है समझ आए आपको, अगर आप खाना नहीं खा रहे हैं तो आपको चाय तो पीनी ही पड़ेगी ना, दिस इज लो। अब ये वही सिचुएशन जो मैंने आपको पहले एग्जांपल से बताई, सेट पिन 11 टू हाई, आप खाना खा ले तो ओके, एल्स पानी तो पीना ही पड़ेगा, तो अभी कंडीशन ट्रू है, हम बटन दबा रहे हैं हाई हो रहा है तो ओके, और बटन दबा के कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो हमारा जो प्रोग्राम है जो एलईडी है वो ऑफ ही रहेगी। तो बेटा ये है आज की वीडियो, ठीक है, आप लोग इसको बनाइए घर पे, समझिए कैसे काम करता है, कैसे हम लोग प्रोग्राम करते हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे यूज करते हैं, और जो भी आपका आज का जो समझ आया है उसके हिसाब से आप जो भी बनाना चाहें, ये सेम एग्जांपल, या आप आरजीबी यूज करें या कुछ और यूज करें, बहुत सारे आप अलग से सोच सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप आरजीबी लगा सकते हैं, आरजीबी से कुछ और ग्लो कर सकते हैं कि इफ आई पुश द बटन रेड ग्लो हो, एल्स ब्लू ऑन ही रहे, ठीक है, या फिर और कुछ जो आपको अच्छा लगे इस तरह से, इफ एल्स यूज करके, पुश बटन यूज करके, आप जो बनाना चाहें वो बनाकर मुझे भेज सकते हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, ठीक है।